हेलो एवरीवन माय नेम इज़ मीनू कश्यप आप सभी का एम के अकेडमी में स्वागत है आज हम बात करेंगे नोवेल अवार्ड्स के बारे में और जानेंगे अल्फ्रेड नोवेल कौन थे ये नोवेल अवार्ड्स की डिटेल वीडियो होने वाली है तो इस वीडियो में बने रहे एंड तक तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे कि नावल अवार्ड्स क्या है अल्फ्रेड नावल कौन थे इसकी शुरुआत कैसे हुई नावल फाउंडेशन के बारे में और इकोनॉमिक्स को इसको इसमें कब जोड़ा गया उसके बारे में और ऐसे व्यक्ति जिन्हें दो बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और कुछ ऐसे भारतीयों के बारे में जिन्हें अब तक इस पुरस्कार से नवाजा जा चुका है तो चलिए शुरू करते हैं तो नोवल नावल पुरस्कार क्या है तो नावल पुरस्कार जो है वो स्वीडन वैज्ञानिक अल्फ्रेड नावल के याद में प्रत्येक वर्ष दिया जाता है इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी स्टार्टिंग में इसे पांच क्षेत्रों में दिया जाता था। मेडिसिन, मेडिसिन, फिजिक्स केमिस्ट्री, पीस लिटरेचर 1916 सिक्सटी से इकोनॉमिक्स को भी इसमें जोड़ा गया अब हम जानेंगे अल्फ्रेड नॉबल के बारे में उनकी जीवनी के बारे में तो अल्फ्रेड नॉबल अल्फ्रेड नॉबल का जन्म जो है वो 21 अक्टूबर 1833 में स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था उनकी माँ का नाम कैरोन और उनके पिता इमेनअल नॉबल एक आविष्कारक थे वे गन पाउडर का आविष्कार करते थे ठीक है आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण जब अल्फ्रेड नॉबल चार वर्ष के थे उनके पिता रूस चले गए 1942 में वो अपने पूरे इस परिवार के साथ रूस शिफ्ट हो गए रूस में वे रूस के सरकार के लिए गन पाउडर बनाया करते थे फैक्ट्री खोलने के कुछ साल बाद ही वहां पे क्रीमिया का युद्ध स्टार्ट हो गया जिसके कारण इमेनुअल नोबल का बिजनेस तेजी से चल पड़ा आर्थिक स्थिति बेहतर होने के कारण अल्फ्रेड नोबेल के पिता अल्फ्रेड नोबेल के शिक्षा दीक्षा में किसी भी तरह की कमी नहीं रखी जिसके कारण सत्रह वर्ष की आयु में उन्हें इंग्लिश फ्रेंच जर्मन भाषा इत्यादियों का बहुत अच्छा पकड़ बना लिया उन्होंने वो केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छे थे अल्फ्रेड को 1850 सौ पचास में अच्छी पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया गया वहां से मिले जिन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन का खोज किया था उसी बीच क्रीमिया का भी युद्ध खत्म हो गया जिसके कारण उनके पिता वापस से स्वीडन आ गए अल्फ्रेड नोबेल भी अपने नाइट्रोगलेसरिन का सैंपल लेकर स्वीडन अपने माता पिता के साथ चले गए स्वीडन जाकर अल्फ्रेड नोबेल उनके भाई और उनके पिता नाइट्रोगलेसरिन को सुरक्षित रखने के लिए रिसर्च करने लग गए इसी दौरान तीन सितंबर अट्ठारह में नाइट्रोग्लेसरिन जो है वो ब्लास्ट हो गया जिसके कारण आल्फ्रेड नोवल के भाई की मृत्यु हो गई उनके पिता अपने छोटे बेटे की मृत्यु के पश्चात वह काम छोड़ देते हैं और वहाँ के सरकार वहाँ के सरकार ने भी शहर में रिसर्च लैब खोलने पर रोक लगा दिया इसके बावजूद भी अल्फ्रेड नोबेल ने हार नहीं मानी उन्होंने शहर के बाहर जंगलों में अपना रिसर्च लैब खोला और नाइट्रोग्लिसरीन को सुरक्षा करने के लिए रिसर्च करने लगे तत्पश्चात उन्हें प्राप्त हुआ कि नाइट्रोग्लिसरीन को अगर सिलिका में मिला दिया जाए तो नाइट्रोग्लिसरीन सुरक्षित हो जाएगा जिसके कारण उन्हें उसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है इस खोज को अल्फ्रेड नोवेल ने डायनामाइट का नाम दिया कभी कभी एग्जाम्स में ये भी पूछ दिया जाता है कि डायनामाइट का खोज कब हुआ था तो 1867 में डायनामाइट की खोज की गई थी अल्फ्रेड नोवेल के द्वारा कुछ समय बाद जब अल्फ्रेड नावल न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो उन्हें एक उन्हें हेडलाइन में मिला आ, मौत का सौदागर और मौत का व्यापारी जो कि अल्फ्रेड नावल के बारे में ही बोला गया था नावल को ये पढ़ के बहुत ही दुख हुआ अल्फ्रेड नावल ने डायनामाइट का खोज सड़क के निर्माण पत्थरों की कटाई इत्यादियों के लिए बनाया था लेकिन इसका यूज ज्यादातर वॉर में किया जाने लगा युद्ध के क्षेत्र में किया जाने लगा जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई इस कारण उन्हें मौत का सौदागर भी कहा गया यह सुन अल्फ्रेड नॉवल को बहुत ही बुरा लगा और दुख हुआ कि उनकी बनाए हुई चीजों से इतने लोगों की मृत्यु हुई तो उन्होंने एक वसीयत बनाई जिसमें उन लोगों को सम्मानित किया जो विज्ञान के क्षेत्र में शांति के क्षेत्र में रसायन के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने लगे नोवल फाउंडेशन की स्थापना २९ जून उन्नीस सौ में हुई थी अल्फ्रेड नोवल की मृत्यु दस दिसंबर अठारह सौ सिक्स में हुई थी और अल्ट्रे नावल जो नावल अवार्ड्स हैं ना वो दस दिसंबर उन्नीस सौ एक को आ, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अब हम जान लेते हैं नॉवल फाउंडेशंस के बारे में इसकी स्थापना उनतीस जून उन्नीस सौ में हुई थी 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा तो स्टॉकहोम में नोवल पुरस्कार स्वीडन के राजा को जो नोवल अवार्ड्स है ना वो स्टॉकहोम में दिया जाता है और नोवल पुरस्कार के लिए बनी समिति हर साल अक्टूबर अक्टूबर तक में अक्टूबर नवंबर तक में नावल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा कर देता है लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो दस दिसंबर को ही किया जाता है ये अलफेड नावल है अब हम जान लेते हैं कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिन्हें इस पुरस्कार से दो बार नवाजा जा चुका है तो मैडम क्यूरी मैडम क्यूरी को ये अवॉर्ड दो बार मिला है एक बार फिजिक्स के क्षेत्र में एक बार केमिस्ट्री के क्षेत्र में ये पोलैंड की हैं जॉन बार्डिन को भी दो बार इस पुरस्कार से नवाजा जा चुका है दोनों ही के फिजिक्स के क्षेत्र में दोनों बार ही इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है एक नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में एक नाइनटीन सेवेंटी टू में फ्रेंड्रिक सेंगर को भी नोबल पुरस्कार से दो बार नवाजा जा चुका है दोनों ही बार उन्हें केमिस्ट्री से केमिस्ट्री में नोबल अवार्ड दिया गया है एक नाइनटीन फिफ्टीन एट में एक नाइनटीन एटी में लीनस पालिंग लीनस पालिंग को केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्षेत्र में दो बार नोबल अवार्ड्स दिए जा चुके हैं ये कुछ ऐसे व्यक्तियां हैं जिन्हें नोबल नौ नोबल अवार्ड्स दो बार दिए जा चुके हैं इसकी एक ट्रिक भी है मैडम और जोन फ्रेंडली हैं तो मैडम से मैडम क्वीरी हो गई और जॉन से जॉन बॉर्डिन फ्रेंडली से फ्रेंड फ्रेंडरिक सेंगर और ली से लीनस पालिंग जिसे आप इजीली याद कर सकते हैं आ, बैरी सार प्लेस जो है ना उन्हें उन्हें भी दो बार नोबल पुरस्कार से अब तक नवाजा जा चुका है एक बार 2001 में एक में या एक बार बाईस में।, के में मिला है अब हम जान लेते हैं कुछ ऐसे भारतीयों के बारे में जिन्हें अब तक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो इसकी ट्रिक भी है मैंने इसकी ट्रिक भी है रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके ठीक है तो रवि से रविंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोवल अवार्ड दिया जा चुका है सर से सर चंद्रशेखर उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है ह से हरगोविंद खुराना को उन्हें 1968 नाइनटीन में चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है मारे से मदर तरीशा जिन्हें शांति के क्षेत्र में नोवल अवार्ड दिया गया था और सुबह से सुब्रम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जा चुका है आम से अमृत सेन को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबल अवार्ड दिया गया था और वी से विक्टर रमन रामाकृष्ण को भी शांति के क्षेत्र में दिया जा चुका है के से कैलाशार्थी सत्यार्थी सत्यार्थी सॉरी के से कैलाशार्थ सत्यार्थी को पीस के क्षेत्र में 2014 को नोबल अवार्ड दिया गया था कुछ भारतीय और हैं जैसे नेपाल को 1971 में बुकर प्राइज और 2001 में नोवल अवार्ड्स दिया गया था अभिजीत बनर्जी भी हैं जिन्हें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोवल अवार्ड दिया गया था अब हम जान लेते हैं जॉन बी गुड इनफ के बारे में जॉन बी गुड इनफ जो है ना वो नोवल अवार्ड प्राप्त करने वाले सबसे बड़े व्यक्ति हैं सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिन्हें 97 की उम्र में नोवल अवार्ड से नवाजा जा चुका है केमिस्ट्री के क्षेत्र में और मलाला यूसुफ जिन्हें नोवल पुरस्कार से 2014 में नवाजा जा चुका है आ, ये सबसे कम उम्र की हैं। रेड क्रॉस के बारे में जान लेते हैं एग्जाम्स में रेड क्रॉस की स्थापना के बारे में भी पूछा जाता है तो इसकी स्थापना अठारह एटीन सिक्सटी थ्री में हुई थी और इसके संस्थापक जो हैं वो हैंनरी ड्यूनेट्स इसका मुख्यालय जो है वो जनीवा में है और ये जो है ना रेड क्रॉस ये उन लोगों की हेल्प करता है जो आपदा में युद्ध में बीमारियों में इत्यादियों में जो घायल लोग होते हैं या देश होते हैं उनकी सहायता करता है नोवल uh, अवार्ड्स में महात्मा गांधी जो हैं वो हमेशा चर्चा का विषय रहे हैं क्योंकि महात्मा गांधी को पांच बार नॉमिनेशन में डाला जा चुका है नाइनटीन थर्टी सेवन में नाइन्टीन एट में 1939 में और 1947 में एंड में जब उन्हें 1948 में नामांकित किया गया था तो महज चार दिन पहले ही उनकी हत्या कर दी गई इस प्रकार महात्मा गांधी को अभी तक नोवल अवार्ड्स एक भी बार नहीं दिया गया है इसमें 2021 हजार में नोवल अवार्ड्स जिन व्यक्तियों को मिले हैं उसके बारे में हैं आप देख सकते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में भौतिकी के क्षेत्र में रसायन के क्षेत्र में बेंजामिन लिस्ट को 2021 तो और 22 के नोवल पुरस्कार विजेता इतने इम्पोर्टेंट नहीं है आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं नोबल प्राइज विनर 2023 के बारे में जिसको अभी हाल ही में, हाल ही ही में में बताया गया है कि नोबल अवार्ड्स किन लोगों को दिए जाने हैं तो जो नॉवल अवार्ड्स हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन 10 दिसंबर को होगा लेकिन इसका नॉमिनेशन जो है वो पहले ही किया जा चुका है तो साहित्य के क्षेत्र में नोवल अवार्ड दो में साहित्य के क्षेत्र में जॉन फोसे को नोवल अवार्ड्स दिया जाना है दस दिसंबर को Uh, किस हेतु उन्हें ये अवार्ड्स मिल रहा है तो उनके नवीनतम नाटक और गद्य के लिए यह उन्हें दिया जाता है जो कही को आवाज़ देते हैं तो न, साहित्य के लिए नोवेल अवार्ड जिन्हें मिल रहा है उन्हें याद करने के एक ट्रिक है साहित्य इतना बड़ा है कि इसमें फंस जाओगे तो साहित्य के लिए और ये फर्स्ट फर्स्ट से क्या हो गया जोन फोसे ठीक है अब हम जान लेते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में तीन लोगों को अवार्ड्स दिए जाने हैं जिसमें पियरे एगोस्टीन फेर के क्रूज और एनीएल है इन तीनों को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबल अवार्ड्स दिए जाने हैं आ, किस हेतु है दिए जाने हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन पर प्रकाश डालने के लिए और एटो सेकेंड प्लस उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि की खोज करने के लिए इन्हें यह दिया जाना है तो इसकी ट्रिक है भांग पी के फेरे लिए एनी तो भांग से हो जाएगा भौतिकी यानी भौतिकी के क्षेत्र में पीके पीके पियरे एगोस्टीन को मिल रहा है फेरे मतलब फेर को और एनी एनियल को मिल रहा है मतलब नोबल प्राइज जो है फिजिक्स के क्षेत्र में इन तीन तीनों को इस बार नवाजा जाना है तो रसायन के क्षेत्र में 2023 में नोवल अवार्ड्स तीन व्यक्तियों को दिए जाने हैं और वो तीन व्यक्ति कौन कौन से हैं इसकी ट्रिक भी बना रखी है एलेक्सी ने रसीला ब्रुस मांगे रसीला से रसायन के क्षेत्र में एलेक्सी एलेक्सी का मतलब हो गया एलेक्सी और आ, मा और एलेक्सी ने रसीला ब्रूस ब्रूस से हो गए लुइस ई ब्रूस और मांग से हो गए मोगी जी बावेडी और दूसरी जो हमारी रिक है सी ए सी एम एम एल ए से बनता है सी एम से हम केमिस्ट्री समझ सकते हैं केमिस्ट्री के क्षेत्र में और एम एल एम से मैगि जीव बावेडी एल से लुइस लुइस रूस और ए से एलेक्सी आई इन तीनों को रसायन के क्षेत्र में नोबल अवार्ड्स दिया जाना है अब जानते हैं फिजिक्स यानी फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन के क्षेत्र में नोबल अवार्ड्स किसे दिए जाने हैं इसमें हम देखेंगे कि नोबल अवार्ड जो है वो दो लोगों को दिए जाने हैं जिसमें एक का नाम केटालिन और दूसरे का नाम विस्मैन है ये केटालिन है और ये विस्मैन है तो इन्हें किस है तू जानेंगे कि शांति के क्षेत्र में नोवल अवार्ड्स किसे दिया जाना है तो नरगिस मोहम्मद जो कि ईरान की, की हैं 2023 में इन्हें शांति के पुरस्कार से नवाजा जाना है तो किसी किस हेतु इन्हें दिया जाना है तो इन्हें ईरान में महिलाओं को उत्पीड़न के खिलाफ जो आवाज़ उठाई है उस हेतु इन्हें शांति पुरस्कार दिया जाना है अब हम जानेंगे इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इस बार दो नोबल अवार्ड्स किसे दिया जाना है तो क्लाउडिन गोल्डिन को दो दो हजार तेईस के पुरस्कार से नवाजा जाना है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में तो इसकी एक ट्रिक है अर्थव्यवस्था गोल्ड पर निर्भर है तो अर्थव्यवस्था गोल्ड पर निर्भर है तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में गोल्ड गोल्ड से क्या हो गया गोल्ड लीन यानी क्लाउडी या गोल्ड लीन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबल अवार्ड से नवाजा जाना है नोवल अवार्ड्स के 2023 थैंक यू आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स में शेयर करें आ, ये आने वाले सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है धन्यवाद